हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन एज यूजुअल आई एम नवनील गौड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग हियर द थर्ड लेसन ऑफ ईवीएस बुक ऑफ क्लास फोर्थ. वी हैव कंप्लीटेड टू लेसन्स एंड देयर क्वेश्चन आंसर इन प्रीवियस वीडियोज. आई होप यू हैव कंप्लीटेड श्योरली द रिटन वर्क ऑफ दीज टू लेसन्स इन योर नोटबुक्स. आपने जरूर जो पीछे के दो लेसन मैंने पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में किए होंगे, मैं आशा करता हूँ. हु डिड नॉट कंप्लीट द रिटन वर्क ऑफ दीज टू लेसन्स, जिन्होंने इन दो लेसन्स के रिटन वर्क कंप्लीट नहीं किया है, दे शुड वॉच द वीडियोज अगेन एंड दे शुड कंप्लीट द वर्क रिलेटेड टू दीज टू लेसन्स. जिन लोगों ने भी इन टू लेसन्स का वर्क कंप्लीट नहीं किया है अपनी नोटबुक्स में, वो पहले शुरू के वीडियो से वापस देखें और जैसे जैसे वीडियो में वर्क बताया जाता है उसको समझें और अपनी नोटबुक में करें. यू कैन आल्सो सेंड मी द फोटोग्राफ्स ऑफ द रिटन वर्क एंड शो मी फॉर द चेकिंग. आप मुझे अपनी रिटन वर्क का फोटोग्राफ, क्लियर जो फोटोग्राफ है उसको भी मेरे पास भिजवा सकते हैं चेक करने के लिए. आई विल सेंड यू आफ्टर चेकिंग, मैं आपको चेकिंग के बाद वापस भेज दूंगा. बट यू शुड कंप्लीट योर रिटर्न वर्क अप टू लेसन सेकंड, लेकिन आपको अपना जो रिटर्न वर्क है वो सेकंड लेसन तक जरूर पूरा करना चाहिए. एंड यू शुड आल्सो लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दीज टू लेसन्स, और आपको इन दो लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी करना चाहिए. स्टूडेंट्स, टूडे वी आर स्टडिंग द थर्ड लेसन. आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लेसन, अवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे ज्ञानेंद्रियां. हिंदी में सेंस ऑर्गन्स को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं. फ्रॉम विच वी गेट द इंफॉर्मेशंस, जिन अंगों से, जिन ऑर्गन्स से हम नॉलेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सूचनाएं इकट्ठी होती है, हम फील कर पाते हैं, ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी के उनको सेंस ऑर्गन कहते हैं. वी विल रीड इन दिस लेसन अबाउट दीज सेंस ऑर्गन्स. इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, दैट हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव, कि कितने सेंस ऑर्गन हमारे यहाँ होते हैं, एंड हाउ दे वर्क्स, और कैसे वो काम करते हैं. इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन देयर इज ए बॉक्स, गेट रेडी. तैयार होने के लिए, इस लेसन को पढ़ने के लिए तैयारी के लिए, एक तरह से इसके प्रीव्यू के लिए, भूमिका के लिए एक बॉक्स दिया गया है. लेट अस रीड इट, आइए इसको पढ़ते हैं. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस बॉक्स इज, इस बॉक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, एंड टेक ए डीप ब्रीथ, और एक गहरी सांस लें. नाउ स्मेल, और अब सूंघें द फ्लावर्स, फूलों को, ग्रोन इन योर स्कूल गार्डन, आपके स्कूल के गार्डन में. स्टूडेंट्स, यू नो देयर आर मैनी फ्लावर पॉट्स इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में कई सारे गमले हैं फूलों के, एंड द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग राइट नाउ आल्सो इन देम, अभी फ्लावर्स भी उनमें खूब अच्छे खिले हुए हैं बरसात में. तो उनको एक गहरी सांस लेकर के अगर आप स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो आपको कैसा लगेगा. द सेकेंड पॉइंट, वैन यू हियर द हॉन्किंग ऑफ द कार्स, वैन यू हियर, जब आप सुनते हैं द हॉन्किंग शोर ऑफ कार्स, यानी कारों का, ऑन द रोड, रोड के ऊपर, एवरी डे, हर दिन, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं. विच पार्ट्स, कौन से अंग ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के, हेल्प यू, हेल्प करते हैं आपकी स्मेल, सूंघने में. डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों को, एंड लिसन, और सुनने में, टू डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग आवाजों को. वो कौन से पार्ट्स हैं जो आपकी लिसनिंग में, यानी सुनने में, और दूसरी चीजों को स्मेल करने में, यानी सूंघने में आपकी हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी स्मेल थ्रू द नोज, हम सूंघते हैं नाक के द्वारा, एंड वी लिसन, और हम सुनते हैं बाय अवर ईयर्स, अपने कानों के द्वारा.
नाउ द लेसन इज स्टार्टेड. अब लेसन स्टार्ट हो गया है, लेट्स रीड इट. आइए पढ़ते हैं इसको. अवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं. टू नो, जानने में, द वर्ल्ड, संसार को, अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर है. हमारे चारों ओर जो भी वर्ल्ड है, यानी जो भी दुनिया है, जो भी संसार है, उसको जानने में, टू नो, उसको जानने में हमारी हेल्प करते हैं ये सेंस ऑर्गन. वी हैव, हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दे आर आईज, वे हैं आँखें. ईयर्स, ये मीन्स कान. नोज मीन्स नाक. टंग मीन्स जीभ. एंड स्किन मीन्स त्वचा या चमड़ी. दे हेल्प अस, ये वे हमारी हेल्प करते हैं. टू सी, देखने में. आईज हेल्प अस टू सी, आँखें हमारी देखने में हेल्प करती है. हियर मीन्स सुनने में. ईयर्स हेल्प अस इन हियर. ईयर्स जो होते हैं, कान जो होते हैं, वो हमारी सुनने में मदद करते हैं. स्मेल यानी सूंघने में नोज मदद करता है. टेस्ट यानी स्वाद लेने में टंग मदद करती है. एंड फील, और किसी भी चीज़ को फील करने में यानी महसूस करने में जो स्किन होती है वो हमारी हेल्प करती है. दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, इनको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. एज, क्योंकि. वी कैन सेंस, हम महसूस कर सकते हैं. सेंस का मतलब होता है ज्ञान, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. सेंस, वी कैन सेंस, हम सेंस कर सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स की हेल्प से हम सेंस कर सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स का, अलग अलग चीज़ों का. सो वी कॉल देम सेंस ऑर्गन, इसलिए हम इनको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. देर आर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स गिवन इन द फिगर, डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के फिगर्स दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं. आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. द नेक्स्ट पॉइंट इज अवर सेंसेज, हमारा ज्ञान. अवर सेंसेज यानी हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव. ए सेंस ऑर्गन डज नॉट वर्क अलोन. ए सेंस ऑर्गन यानी एक ज्ञानेंद्री, जिसको हम हिंदी में ज्ञानेंद्री कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको सेंस ऑर्गन कहते हैं. तो हम यहाँ बार बार सेंस ऑर्गन ही बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब वही है. उन 5 ऑर्गन्स में से एक कोई ऑर्गन के बारे में बात हो रही है. ए सेंस ऑर्गन डज नॉट वर्क, एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करता. अलोन, अलोन मतलब अकेला. कोई भी सेंस ऑर्गन अकेला काम नहीं करता. इट वर्क्स, ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन. ये नर्व्स और ब्रेन की हेल्प से काम करता है. नर्व्स क्या है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था नर्व्स सिस्टम के बारे में. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, उसमें से एक सिस्टम नर्व्स का भी है. ये नर्व्स जो है, एक इनको हिंदी में तंत्रिकाएं कहते हैं. ये धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो हर जगह फैली रहती है बॉडी में. ऐसी कोई जगह नहीं है बॉडी की जहाँ पर नर्व्स नहीं होती. तो ये इस तरह से एक जाल के रूप में फैली रहती है पूरी बॉडी में, धागे जैसी. और ये सारी किससे कनेक्टेड होती है, माइंड से या ब्रेन से कनेक्टेड होती है. तो ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन लेके आती है हर प्रकार की और ब्रेन को देती है. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी सेंस ऑर्गन अलोन काम नहीं करता, अकेला काम नहीं करता. तो वो किसके साथ मिल करके करता है, वो करता है नर्व्स और ब्रेन के साथ मिल करके ये वर्क करता है. द नर्व्स आर लाइक वेरी थिन थ्रेड्स. द नर्व्स यानी ये जो नर्व्स होती है, ये जो तंत्रिकाएं होती है, आर लाइक वेरी थिन थ्रेड्स. थ्रेड्स मतलब धागे. ये बहुत ही थिन यानी पतले धागों जैसी, धागों की तरह होती है. ये बहुत पतले, वेरी थिन थ्रेड्स, बहुत ही पतले धागों की जैसी होती है. अवर नर्व्स, हमारी जो नर्व्स हैं, गैदर यानी इकट्ठा करती है इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं. फ्रॉम एवरीथिंग, उस हर चीज़ से. दैट वी सी, जो हम देखते हैं. स्मेल, सूंघते हैं. हियर,
सुनते हैं, टेस्ट स्वाद लेते हैं एंड टच और छूते हैं। जिस भी चीज़ को हम छूते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, देखते हैं, उस चीज़ से ये जो नर्व्स होती है ये इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, यानी सूचना इकट्ठा करती है। देन फिर द नर्व्स कैरी द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, तो फिर ये कैरी करती है, लेके जाती है उस इन्फॉर्मेशन को द टू द ब्रेन, कैरी द इन्फॉर्मेशन टू अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक ये उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है। द ब्रेन अंडरस्टैंड्स, जो ये ब्रेन अपना मस्तिष्क होता है वो अंडरस्टैंड्स यानी समझता है एंड इंटरप्रेट्स, और उस चीज़ को अनुवाद करता है। इंटरप्रेट्स यानी होता है अनुवाद करना, एक चीज़ एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद करना या उसकी व्याख्या करना, यानी किसी चीज़ को समझाना अगले को। मान लो किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो उसको उसकी भाषा में समझाना, इसको इंटरप्रेट्स कहते हैं। तो जो सूचनाएं ब्रेन तक आती है किसके माध्यम से, तो तंत्रिकाएं यानी नर्व्स के माध्यम से। उन नर्व्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है ब्रेन उनको अंडरस्टैंड करता है, उनको समझता है और इंटरप्रेट्स करता है, यानी उनको अनुवाद करता है उनका, जिस भाषा में भी वो बाकी के अंग समझते हैं उस भाषा में उसका अनुवाद करता है द इन्फॉर्मेशन, उन इन्फॉर्मेशंस का, एंड सेंड्स बैक, और वापस भेजता है इट्स मैसेज, इसका मैसेज वापस भेजता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ तक इसको सूचना को वापस भेजता है, संदेश भेजता है। वी रेस्पोंड, हम क्रिया करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज, वो जो मैसेज आता है ब्रेन से उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम रेस्पोंड करते हैं, हम क्रिया करते हैं। दैट आवर ब्रेन सेंड्स, जो हमारा ब्रेन भेजता है, जो मैसेज भेजता है वापस किसी भी ऑर्गन के पास, किसी भी अंग के पास, जो ब्रेन मैसेज भेजता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम लोग रेस्पोंड करते हैं, हम क्रिया करते हैं। दिस एंटायर प्रोसेस, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो विधि है, जो भी हमने अभी पढ़ी है कि जो नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन लेके आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से, और वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और वापस मैसेज भेजता है। तो ये जितना भी काम होता है ये बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही तेज गति से होता है, जैसे चुटकी बजाते ही हो जाता है, चुटकी बजाने से भी कम टाइम में हो जाता है। दिस इज हाउ, इसीलिए वी आर एबल, हम समर्थ होते हैं टू फील, महसूस करने में विद अवर फाइव सेंस ऑर्गन, हमारे पांच सेंस ऑर्गन से किसी भी चीज़ को महसूस करने में, सुनने में, देखने में हम एबल होते हैं, हम समर्थ होते हैं, योग्य होते हैं, इसी कारण से, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही क्विक होता है, बहुत तेज गति से होता है। आपको पता है आपके जैसे ही कोई टच करता है आपको उसी सेकंड पता चल जाता है, लेकिन कितनी लंबी प्रोसेस हुई है पता है आपको? अगर किसी ने आपको टच किया है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गई है ब्रेन तक, यानी माइंड तक गई है इन्फॉर्मेशन, फिर माइंड ने वापस उसको भेजा है, मैसेज भेजा है वापस। अगर आपको किसी ने टच किया तो आप तय कर लेते हो कि मेरे को हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है। तो अब आप देखो कितना इंटेलिजेंट है बॉडी माइंड, कि वो तुरंत निर्णय लेता है कि हाथ हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। अब आप सोचो कितनी देर लगती है आपको, या पिन, आपके कोई पिन चुबा देता है मान लो, तो जैसे ही पिन चुभती है या कांटा चुभता है तुरंत आपका उसी सेकंड आपका हाथ या पैर हट जाता है वहाँ से। लेकिन ये इसमें वो सूचना गई भी है ब्रेन तक और वापस भी आया मैसेज कि हटो यहाँ से, और तुरंत हटता है हाथ पैर। तो ये इतना फास्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है हमारे सेंस हम लोग प्राप्त करते हैं इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। लेट अस गो फॉरवर्ड, आइए चलते हैं आगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, अब हम समझेंगे अबाउट द वेरियस सेंस ऑर्गन्स
वन बाय वन अब हम एक एक करके सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे. बट स्टूडेंट्स आई थिंक टाइम इज वी डोंट हैव नाउ द टाइम. अब अपने पास टाइम नहीं है सो दैट वी कैन नॉट रीड द लेसन टू द नेक्स्ट पार्ट. इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में अब इसको नहीं पढ़ पाएंगे आज टुडे. वी विल रीड दिस लेसन, वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो. हम लोग अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. आई होप अब मैं आशा करता हूँ यू विल कंप्लीट योर रिटन वर्क अप टू लेसन नंबर टू. आप लोग लेसन नंबर टू तक अपना रिटन वर्क जरूर कंप्लीट करेंगे एंड शो मी बाई द फोटोज और मुझे फोटोज के थ्रू शो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स डू योर वर्क एट द होम. बी हैप्पी. सी यू एंड बाय.